आप सभी वल्लभीय वैष्णव जनों को आज के उत्सव श्री ठाकुरानी तीज के बहुत बहुत मंगलमय शुभाशीर्वाद। आज का उत्सव हमारे पुष्टि मार्ग में बड़े महत्व का उत्सव है, बड़ा उत्सव है। आज श्री ठाकुरानी तीज है। ठाकुरानी का मतलब क्या? जो ठाकुर की पत्नी होती है उसे ठाकुराइन कहा जाता है। तो ठाकुर कौन है? और ठाकुर का मतलब क्या है? ठाकुर का अर्थ है कि जिसकी सत्ता चलती हो। तो हमारे यहां किनकी सत्ता चलती है? प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता चलती है। तीनों लोकों के स्वामी कौन हैं? प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए हमारे यहां पदों में वर्णन आता है कि ठाकुर हमारे नंद किशोर और ठाकुराइन वृषभान लली। तो ठाकुरानी कौन है? श्री वृषभानुजा, श्री राधिका जी। तो आज का दिन जो है ठाकुरानी तीज है, अर्थात आज श्री स्वामिनी जी की विशेष प्रधानता है। क्यों? क्योंकि आज का दिन समस्त गोपीजन श्री स्वामिनी जी के लिए मनाते हैं विशेष रूप से। आज का दिन श्री यमुना जी स्वयं श्री स्वामिनी जी के लिए विशेष रूप से मनाती हैं। और तो और स्वयं श्री ठाकुर जी भी आज का दिन विशेष रूप से मनाते हैं। इसके पीछे रहस्य क्या है? बड़ा सुंदर भाव है कि इस त्रिलोकी के ऊपर, तीनों लोकों पर, संपूर्ण विश्व पर ठाकुराई किसकी चलती है? श्री ठाकुर जी की चलती है, प्रभु श्री कृष्ण की चलती है। इसलिए ठाकुर हमारे नंद किशोर, लेकिन उस सर्वात्मा, उस परमात्मा के ऊपर ठाकुराई किसकी चलती है? जैसे सेठ के ऊपर सेठानी की सत्ता चलती है, ऐसे ठाकुर के ऊपर ठाकुराइन की सत्ता चलती है। तो उस त्रिलोकी नाथ के ऊपर, उस ठाकुर के ऊपर श्री स्वामिनी जी की सत्ता चलती है। इसलिए हमारे यहां रसिक वैष्णवों ने कहा है कि हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे यहां तो श्री स्वामिनी जी का राज चलता है, श्री ठाकुर जी के ऊपर भी उन्हीं का भावात्मक राज है। तो ऐसे हमारी श्री ठाकुराइन जो हैं, श्री स्वामिनी जी, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, हमारे ठाकुर श्री नंद राज कुमार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए सब गोपीजन विचार करती हैं कि आज तो बड़ा दिन है। सावन की तीज है तो बगीचे का मनोरथ करती है,
वन में श्री ठाकुर जी को और श्री स्वामिनी जी को पधरा के हिंडोरा झुलाने का मनोरथ सिद्ध करती हैं। तभी श्री यमुना जी पधारती हैं और श्री यमुना जी कहती हैं कि आज तो मैं स्वयं दोनों प्रिया प्रीतम को पधरा के ले जाऊंगी और वन में हिंडोरे का मनोरथ करूंगी, आज का मनोरथ मेरा है। तो वन की कैसी शोभा, जहां स्वयं श्री यमुना जी जल प्रवाह के रूप में कलकल कर निराद कर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, तरंगे ले रही हैं, और पक्षी कलरव कर रहे हैं, दादुर मोर पपीहा बोल रहे हैं, मीठी मीठी वाणी बोल रहे हैं, जहां पर शुक विराजमान हैं, सारस हंस विराजमान हैं, कोयल विराजमान हैं, और अनेक प्रकार की पुष्प राशियां जहां वन में खिली हुई हैं, श्री यमुना जी में कमल खिले हुए हैं, पुष्प सुशोभित हो रहे हैं कि अरे प्रभु पधार रहे हैं, श्री स्वामिनी जी पधार रही हैं। यही सूचना पाकर सब पशु पक्षी आनंदित हो रहे हैं, चहचहा रहे हैं। शीतल मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है, सब लता पताएं झूम रही हैं, मानो समग्र सृष्टि आनंदित प्रफुल्लित प्रमुदित लग रही है। वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, वर्षा का समय है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, और कैसे मेघ जो जल से भरे हुए हैं, अर्थात भाव से प्रेम से भरे हुए हैं कि हमें भी प्रभु को सुख पहुंचाना है। जैसा प्रभु का नाम है घनश्याम, ऐसे मेघ श्याम वर्ण के हो गए हैं और बिजली कड़क रही है, और समस्त व्रजभक्त गोपी जन विविध प्रकार के वाद्य यंत्र लेके उनका वादन कर रहे हैं, कीर्तनों का गान हो रहा है। श्री ठाकुर जी और श्री स्वामिनी जी वन में पधारते हैं हिंडोरा झूलने के लिए। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि राधे जी देखिए वन शोभा। हे श्री राधिका जी, हे श्री स्वामिनी जी, आप वन की शोभा का दर्शन करिए। बड़ा आनंदित बड़ा रसमय वर्णन है। श्री यमुना जी एवं समस्त गोपी जन झूला बांधती हैं, और उस झूले में श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी को विराजमान करवाती हैं। विविध प्रकार के कीर्तनों के द्वारा, विविध प्रकार की सामग्रियों के द्वारा श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं सब। श्री ठाकुर जी को जोर जोर से झोटा देते हैं। जब झोटा उधर जाता है तो उधर के व्रजभक्त आनंदित होते हैं, जब झोटा इधर आता है तो इधर के व्रजभक्त आनंदित होते हैं। पशु पक्षी भी वाद्य यंत्रों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर कलरव कर रहे हैं।
तभी एक बड़ी सुंदर विचित्र लीला होती है, और यह होती है कि श्री ठाकुर जी हिंडोरे में से नीचे पधारते हैं और श्री स्वामिनी जी को झुलाना प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ए झूले श्यामा प्यारी झुलवत लाल बिहारी रमक झमक झोंटा देत भारी। कभी श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी को झुलाती हैं, कभी श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी को झुलाते हैं, और कभी दोनों प्रिया प्रीतम साथ में विराज के झूलते हैं, सब ब्रजभक्त झुलाते हैं और विविध प्रकार के हिंडोरा और सिद्ध किए जाते हैं। सब गोपी जन भी झूल रहे हैं, श्री यमुना जी भी झूल रही हैं। मल्हार राग का गायन हो रहा है, मेघ वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं, आकाश में गर्जना हो रही है, बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, श्री स्वामिनी जी प्रसन्न हो जाती हैं, व्रज भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनके भाव पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा आनंद आज श्री ठाकुरानी तीज का है, इसीलिए श्री यमुना जी को भी हमारे यहां ठाकुराइन कहा गया है, क्योंकि श्री यमुना जी भी व्रज भक्तों के भाव पूर्ण करती हैं। श्री यमुना जी की कहानी से हमें श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, इसलिए श्री यमुना जी को भी ठाकुराइन कहा गया है। इसलिए आज का दिन श्री ठाकुरानी तीज का दिन श्री यमुना जी का दिवस भी है। इसलिए चुनरी के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धारण करवाए जाते हैं, और आज कितना परम मंगलकारी दिवस है कि आज ही के दिन श्री वल्लभ को श्री यमुना जी के आर्यदैविक स्वरूप के दर्शन विशेष रूप से प्राप्त हुए, ब्रज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, जो बिछड़े हुए जीव थे उनको पुनः मिलाने के लिए। श्रीमद् गोकुल में जब श्री वल्लभ विराजमान थे श्री यमुना जी के तट के ऊपर, चिंतातुर विराजमान, तो श्री यमुना जी ने विचार किया कि श्री वल्लभ तो सबकी चिंता दूर करते हैं, तो प्रभु की भी चिंता दूर करते हैं, आप चिंतातुर कैसे है। तब श्री यमुना जी से भी रहा नहीं गया श्री महाप्रभु जी की चिंता दूर करने के लिए। कि कौन सा ठकुरानी घाट है, कौन सा गोविंद घाट है, कौन सी सरहद किसकी है, यह बताने के लिए स्वयं श्री यमुने महारानी प्रकट हो जाती हैं यमुना जल में से, आदिदैविक रूप से प्रकट होती हैं। और जैसे ही श्री यमुने महारानी प्रकट होती हैं, महाप्रभु श्री वल्लभ उनके दर्शन करके रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं कि ओहो, आज तो स्वयं श्री यमुने महारानी कृपा करके प्रकट हुई हैं। और तो और श्री वल्लभ के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, अनंत गुना आनंद होने लगा कि देखा कि श्री यमुने महारानी मेरी तरफ पधार रही हैं, और कैसा अद्भुत स्वरूप श्री यमुने महारानी का। मयूर मुकुट और काछनी धारण कर रखी है, 16 श्रृंगार धारण कर रखे हैं, श्री हस्त में कमल की माला है और एक श्री हस्त में कमल की छड़ी है,
और जो श्री यमुना जल में कमल खिले हुए हैं उन कमलों को जो व्रज भक्तों का स्वरूप है उनके ऊपर कृपा करके एक एक चरण पधराते हुए श्री यमुने महारानी श्री वल्लभ की तरफ पधार रही हैं। श्री वल्लभ अति रोमांचित होके हाथ जोड़ करके खड़े हैं। श्री यमुना महारानी का दर्शन कर रहे हैं, इस अलौकिक स्वरूप का, इस कृपा में लीला का रसपान कर रहे हैं कि आज तो कृपा करके श्री यमुना जी स्वयं दर्शन देने पधारी हैं। आज्ञा करती है कि हे श्री वल्लभ, यह ठकुरानी घाट है और वो गोविंद घाट है। श्री यमुना जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सहसा सहज में महाप्रभु श्री वल्लभ के मुख से श्री यमुनाष्टक निस्सृत होने लगा। उस कृपामयी लीला का प्रवाह मुखारविंद से प्रवाहित होने लगा। आज ही के दिन श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, आज ही के दिन श्री यमुनाष्टक का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी श्री यमुने महारानी हैं जो सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती हैं, ऐसी हमारी ठकुराइन हैं श्री स्वामिनी जी जो श्री ठाकुर जी के मनोरथ पूर्ण करती हैं, सब व्रज भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती हैं। तो वैष्णवों, इस लीला का रसपान करो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो, अनुभव करो और दर्शन करो। कैसे दर्शन करो कि उन व्रज भक्तों में, उन गोपियों में एक आप भी हो जो श्री ठाकुर जी को हिंडोरा झुला रही है गोपी, वो आप हो। और श्री यमुनाष्टक का आज गान करो कि नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा। तो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति भी निरंतर कृपा बरसती रहेगी, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, श्री ठाकुर जी वशीभूत हो जाएंगे। पुनश्च आप सभी वैष्णवों को आज के उत्सव के बहुत बहुत मंगलमय शुभाशीर्वाद है।